हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल डेट इज़ स्टॉपर स्टॉप। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात तो कि हमारा आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर जो है जितना वो सारा ख़त्म हो गया है 2019-2020 का, जिसमें हमने मेनली प्रीलियम फोकस करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा पहले प्रीलियम्स क्लियर होना ज़रूरी है। मेंस को हम उसके साथ साथ भी बाद में क्लियर कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करना है मार्च एंड तक, ताकि हमें जो मई और अप्रैल का टाइम है वो आराम से टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन के लिए मिल जाए। तो हमारा ये अभी तक एम है कि हम जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जो फेब है वो आपका करंट अफेयर और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की सीरीज़ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यूँ ज़मीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ा देखता है। तो हमें जल्दी से जल्दी एक एम क्लियर करना है अपना, ताकि हम आसमान में उड़ सके, एक अपना जो एम है अच्छी तरीके से अचीव करके देश के लिए और अपने लिए कुछ कर सके। फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ द रुको, डेट इज़ रीपर्पज यूज़ कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। देखिए, आपने कभी जो भी चीज़ें हमारे टच में आती है, मतलब न्यूज़ में आती है, तो हमें ये देखना है कि हम उसको कितना जनरल लाइफ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तभी हमारा जो माइंड सेट है वो ज़्यादा क्लियर होगा उस न्यूज़ के लिए, और हमें रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को समझना बेटर होगा। तो जो रीपर्पज यूज़ कुकिंग ऑयल है उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, चाहे आप स्ट्रीट फूड की बात करते हैं या फिर आप हायर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कुकिंग ऑयल होता है उसको बार बार यूज़ किया जाता है फॉर डीप फ्राइंग द थिंग्स। अगर एक ही ऑयल को बार बार यूज़ किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ फ्राई किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो है एक टॉक्सिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम टोटल पोलर कंपाउंड कहते हैं, जिसकी वजह से देखिए जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि जो कॉमन पॉपुलेशन है, मेनली जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन है, उनमें हाइपरटेंशन, जो कि हाई बीपी होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये एक हार्ट डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, ये सारे डिजीज़ का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम बाहर का फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर टोटल पोलर कंपाउंड्स, जो एक टॉक्सिक कंपाउंड है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो 150th बर्थ एनिवर्सरी अक्टूबर में हुई थी महात्मा गांधी जी की, तो दिल्ली जो थी उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या होगा कि जो कुकिंग ऑयल है स्ट्रीट जो होटल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं या फिर नॉर्मल भी आपकी जो स्ट्रीट पे कार्ट्स होती है जिस पे हम जाके कुछ खाते हैं, तो वहाँ से जो कुकिंग ऑयल है वो कलेक्ट किया जाएगा और उसको बायो डीजल में कन्वर्ट किया जाएगा। कि देखिए, हार्मफुल कोई चीज़ होना ह्यूमन हेल्थ के लिए, उससे बेटर है कि उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर लिया जाए। और ये कर कौन रहा है, इट इज़ डन बाय FSSAI। तो जो FSSAI है उसने टोटल पोलर कंपाउंड का किसी भी वेजिटेबल ऑयल में जो लिमिट है वो सेट किया है 25%। पर आप एक चीज़ समझिए कि जो टोटल पोलर कंपाउंड होता है वो हर बार ऑयल में बढ़ता है जब भी वो फ्राई होता है, मतलब कि आपने एक बार किसी ऑयल को फ्राई किया तो उसका अमाउंट, मान लीजिए 25% लिमिट सेट करेंगे, 25 पे पहुंचा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा उसमें फ्राइंग करी तो वो 35 पे पहुंच गया, अब वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो इस वजह से अगर आप घर में भी एज एन अवेयर पर्सन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आप घर पर भी उन कुकिंग ऑयल को यूज़ ना करें बार बार फ्राइंग के लिए, थोड़ा अमाउंट यूज़ करें जो कि एक बार में ही कंज्यूम हो जाए। जो रुको है वो FSSAI ने लॉन्च किया है और ये कलेक्शन करता है कुकिंग ऑयल की, जिसको कि बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो FSSAI है उसने जो बिजनेसेस है, मतलब जो लार्ज स्केल पे होटल्स है, उनको ये कहा है जो कि 100 लीटर्स ऑयल यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, कि एक स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड कलेक्टिंग एजेंसीज हैं जो इस ऑयल को कलेक्ट करेगी, वो उनके पास जाके ऑयल को कलेक्ट कर लेगी और उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर लेगी। सो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इज ऑल यू वॉन्टेड टू नो अबाउट नोबल प्राइजेस। देखिए, अक्टूबर में नोबल प्राइजेस अनाउंस हुए थे, तो जिसमें सबसे पहले जो मेडिसिन में नोबल प्राइज दिया गया है 2019 में, हम उसे डिस्कस करते हैं। इट अवार्ड जॉइंट, देखिए ये UPSC में तो फिर भी इतना नहीं पूछा जाता, बट स्टेट PCS के लिए, EPFO एग्जाम के लिए ये नोबल प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको अच्छे से नाम याद रखने हैं साइंटिस्ट के, कि कौन सी फील्ड में कौन सी साइंटिस्ट को मिला है और किस वर्क के लिए मिला है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। तो विलियम जे केलिन,
पीटर जे सॉरी केलिन सर जे पीटर जे रेटक्लिफ एंड ग्रेगे एल सेमिजा, इन सबको कंबाइंडली जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि इन्होंने ये डिस्कवर किया है कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन उनको उनके पास आ रही है उसे सेंस करते हैं और ऑक्सीजन को अडेप्ट करते हैं। तो ये सेल डिस्कवरी की गई है। देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है बायोलॉजी रिलेटेड, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ जाके ब्लड सेल्स क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन हमारी पर हमारी बॉडी को तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, वरना हमारी डेथ हो सकती है या फिर कोई और डिजीज़ हमें हो सकती है एकदम से। तो क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे जाके आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनती है। जितनी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होगी उतना ही वो ऑक्सीजन को कंबाइन करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको अभी डिस्कवर किया है, एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस नोबेल प्राइज़ में मेडिसिन के। नेक्स्ट इस नोबेल प्राइज़ का अगर हम ओवरव्यू देखते हैं कि देखिए नोबेल प्राइज़ जो था वो स्टार्ट कब हुआ था और किस तरीके से हुआ था। देखिए एक स्वेडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फर्ड नोबल। उन्होंने 1895 में अपनी जो विल लिखी थी उसमें जो अपना लार्जेस्ट शेयर था विल का वो प्राइज जो नोबेल प्राइजेज होते हैं उनके उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया था। तो उस टाइम जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी और मेडिसिन भी कहते हैं जिसको लिटरेचर और पीस के नोबेल प्राइज बनाए गए थे 1895 में। बट फिर 1968 में एक सिक्स्थ अवार्ड भी ऐड किया जिसका नाम था प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1968 में कौन सा अवार्ड हुआ था, मतलब सॉरी ऐड हुआ था, और 1895 में ये स्टार्ट हुआ था। देखिए अगर हम अपने इंडियंस की बात करें तो बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंडियंस हैं जिन्होंने ये अवार्ड लिया है। तो जिसमें सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको लिटरेचर में अवार्ड मिला था 1913 में, सीवी रमन जी फिजिक्स 1930, हरगोबिंद खुराना इन मेडिसिन 1968, मदर टेरेसा इन पीस 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन फिजिक्स 1983, दलाई लामा इन पीस 1989, अमर्त्य सेन इन इकोनॉमिक्स 1998, वेंकटरमन रामकृष्ण इन 2009 एंड कैलाश सत्यार्थी इन पीस 2014। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पीस से रिलेटेड अवार्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को मिले हैं यहाँ पे। और देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि यूपीएससी सीएससी जो है वो डायरेक्टली नोबेल प्राइज़ के साइंटिस्ट का नाम ना पूछे, तो वो जो है घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन इंडियंस का नाम पूछ सकते हैं कि किसको मिला था। जैसे कि कैलाश सत्यार्थी को जो 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस में तो वो डायरेक्टली पूछा गया था 2015 यूपीएससी सीएससी में। तो देखिए इस बार जो आप अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी इस साल जो है नोबेल प्राइज एक इंडियन को मिला है, तो मे बी ये आपसे पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करते हैं तो कैनेडियन अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट जेम्स पेबल्स, स्विस एस्ट्रोनॉमर माइकल मेयर एंड डिडियर क्विलोज जो है उनको जॉइंटली ये अवार्ड मिला है, ताकि वो ये देख सकें कि जो ग्रोथ है हमारी यूनिवर्स की वो कैसे हुई है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, जॉन बे गुड इनफ, एम स्टैनले विटिंगम एंड द अकिरा यशिनो, इनको लिथियम आयन बैटरीज के लिए अवार्ड मिला है। तो आपको इनके नाम याद रखने और याद रखने कि किसके लिए मिला है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019, पोलिश ऑथर ओल्गा टेक्रिजुकुक एंड ऑस्ट्रेलियन नोवेलिस्ट पीटर हैंड के, इनको लिटरेचर में 2019 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज़। देखिए नोबेल पीस प्राइज़ जो है उससे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मतलब जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है इनसे नहीं पूछा जाता इतना, अगर किसी कंट्री का होता है फिर भी पूछ लिया जाता है, पर पीस जो है वो आज के टाइम का एक कंसर्न है, क्योंकि इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कम्युनिटीज़ के बीच, रिलीजन्स के बीच, स्टेट्स के बीच, कंट्रीज़ के बीच, हर तरीके से डिस्प्यूट हो रहा है। तो कोई इंसान ऐसा निकल के आता है जो एक शांत स्वभाव का होके एक पीस मेंटेन करता है वर्ल्ड में, इस वजह से नोबेल पीस प्राइजेस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अबे अहमद अली जो कि इथियोपिया की पीएम है, उनको पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो उनके एफर्ट्स है उनके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया है जो कि नेबरिंग कंट्री एरिट्रिया के साथ था। तो आपको याद रखना है इथियोपिया की जो लोकेशन थी, मैंने आपको
ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर बताया था उसमें भी बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इथियोपिया का में ऐसी कौन सी लोकेशन थी मेनली जिसको मैंने डेड जोन बताया था, और ये कहा था कि वहाँ पे कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है, एक डिप्रेशन का नाम हुआ था। और मैंने वहाँ पे इथियोपिया का आपको मैप भी बताया था, तो इथियोपिया का नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है, प्लस एक ऐसी साइट भी मिली है। तो इथियोपिया का मैप बेस्ड क्वेश्चन बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इथियोपिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, उसके पास सी कौन सा है, और इंडिया के साथ कैसे उसके रिलेशंस हैं। तो देखिए जो एरिटेरिया थी वो 1993 में इथियोपिया से ब्रेक होके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, जो कि रेड सी पे प्रेजेंट है, माउथ ऑफ रेड सी पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो उसके साथ इथियोपिया के थोड़े इश्यूज चल रहे थे जो कि अय्यूब अहमद अली जो थे पीएम ऑफ इथियोपिया ने सोल्व करे हैं। नेक्स्ट इज प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इज मेमोरी ऑफ अल्फर्ड नोबल 2019। तो हमारे ऑनर्ड अभिजीत बैनर्जी जो हैं उनको ये इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है, खाली उन्हें नहीं मिला उनके साथ भी मिला है, बट इंडियन है तो इस वजह से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। एस्टर डोफ्लो एंड द माइकल क्रेमर, इनको साथ में मिला है अभिजीत बैनर्जी के नोबल प्राइज़। और इन्होंने पहली बार, देखिए एक चीज़ और हुई है, आप देखेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसको एलिवेट करने के लिए पहली बार इकोनॉमिक्स में कोई रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से भी ये इकोनॉमिक प्राइज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और दूसरी चीज़ और क्या हुई है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, कि जो एस्थर डफलो है वो सेकंड वीमन बनी है आज तक की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, आफ्टर एलिनोर ओस्ट्रोम जो कि 2009 में बनी थी और यूएस की थी। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सबमिट किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अब इम्प्लॉय किया जाएगा, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी नेशनल हेल्थ स्टेक की, और नेशनल हेल्थ स्टेक में जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना भी डाटाबेस है पब्लिक गुड का जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, उस सारे डाटाबेस को लिंक किया जाएगा, और जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए काम आ सकता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है, ऐप्स है, रिसर्चर्स है, उनको ये डाटाबेस दिया जाएगा ताकि रिसर्च वर्क होके अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव हेल्थ सेक्टर में लिए जा सके। नेक्स्ट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। देखिए डीआरडीओ जो है वो ये चाहती है कि जो सब मरीन्स हैं इंडियन उनको जो है बूस्टअप किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक इंडिजिनस का मतलब जो इंडिया में ही बनी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप किया है। देखते हैं कि उसमें प्रोपल्सन सिस्टम में मेनली है क्या। सॉरी गाइस मेरे से थोड़ा बैक हो गया था, इस वजह से ये थोड़ा सा पोज लेना पड़ा। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जो होता है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन न्यूक्लियर सब मरीन्स है उनको ऑपरेट करने के काम आएगी, ताकि उनको सर्फ जो ओशन के सब मरीन्स है मतलब अंडर है ओशन के, उनको ओशन के सरफेस पे नहीं आना पड़े एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सेस करने के लिए। देखिए क्या होता है, दो तरीके की जो होते हैं सबमरीन्स होते हैं, न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं अगर उनको एक बार ओशन के अंडर डिप्लॉय कर दिया गया तो वो अंदर ही रहती है, बट जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है उनको बीच बीच में ओशन सरफेस के ऊपर आना पड़ता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की एक्सेस करने के लिए। तो जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है वो इसकी ये जो नीड है जो ऊपर आ रही है उसको एलिमिनेट कर देगा। इट कैन ऑगमेंट और रिप्लेस द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ नॉन न्यूक्लियर। वैसे तो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करेगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन द कंबशन ऑफ स्टोर ऑक्सीजन एंड इथेनॉल टू ऑगमेंट बैटरी पावर प्रोपल्सन। और इसमें होगा कैसे काम कि जो ऑक्सीजन है और जो इथेनॉल है उसका कंबशन होगा, जिससे कि जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो बैटरी पावर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। देखिए डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है वो कार्बन से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज करती है कि कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है। तो ये जो स्टडी है इसका अभी जो रिजल्ट आया है वो किससे कंसर्न है कि जो पास्ट में एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। देखिए आपको एक बात पता है कि अगर हमारे अर्थ से हमारे प्लैनेट से कोई लाइफ एक्सटिंक हो रही है
मान लीजिए आप पेड़ों को ही काट रहे हैं तो उसमें कार्बन जो होती है बहुत सारी स्टोर होती है, तो जैसे ही आप एक ट्री को कट करते हैं अगर वो एक्सटेंक हो रहा है तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करता है। तो ये जो स्टडी हुई है वो इसी पे हुई है कि जो पास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट्स इतने हुए हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास रिलीज हुआ है एटमॉस्फेयर में, और वो एक टॉपिक है कंसर्न का, क्योंकि अगर CO2 बढ़ेगा तो जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा होगा, और जिससे जल्दी से जल्दी क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके रिसोर्सेज ख़त्म होते जाएंगे और उनका जो एक सर्वाइवल है वो मुश्किल में आ जाएगा। तो कुछ फैक्ट्स आए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। लेस देन 1% ऑफ द प्लैनेट्स कार्बन इज फाउंड अबव सरफेस। तो देखिए अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर 1% से भी कम प्लैनेट पे कार्बन प्रेजेंट है वो मिलती है। 1.85 बिलियन गीगाटन्स जो कार्बन है वो प्लैनेट के क्रस्ट और मेंटल लेयर में प्रेजेंट है, अर्थ की जो क्रस्ट और मेंटल लेयर होती है। द कार्बन डेट इज़ फाउंड इन द ओशंस द लैंड एंड द एटमोसफेयर फॉर मोस्ट पार्ट अपीयर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए क्या क्या जा रहा है कि जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट है कहाँ पे, ओशंस के अंदर, लैंड में, एटमॉस्फेयर में, तो सिर्फ ह्यूमन ही ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ह्यूमन एमिशन अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा है, तो जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ह्यूमंस के थ्रू वो अर्थ वोल्केनोज जो है उनसे 100 times ज़्यादा है, कि मतलब अर्थ वोल्केनो भी इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं कर रहे हैं जितना कि ह्यूमन कर रहे हैं, और 100 times ज़्यादा एमिशन हो रहा है ह्यूमन के थ्रू। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो 10 गीगाटन्स ऑफ CO2 एटमोसफेयर में हर साल कंट्रीब्यूट कर रही है, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न्स हो रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी 40 से 100 गुना कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है। तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो की फाइंडिंग्स पूछी जा सकती है कि क्या कितना रिलीज कर रही है। दूसरा आपसे पॉजिटिव फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज है वो किस किस सोर्स से जो है रिलीज हो रही है। तो आपको ये सारी की फाइंडिंग्स अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट चीज हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टडी के बारे में, तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी समझना जरूरी है। अबाउट डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, इट इज़ अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मोर देन 1,000 scientists ऑन अ 10-year कोर्स टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटीज मूवमेंट्स फॉर्म्स एंड ओरिजिन ऑफ कार्बन इन अर्थ। तो जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है उसमें 1,000 scientists जो होते हैं वो 10 साल के लिए रिसर्च करते हैं, और ये देखते हैं कि जो मूवमेंट है, फॉर्म्स है, ओरिजिन जो है कार्बन का वो कैसे हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट जियोटेल। देखिए जो चंद्रयान 2 था, हमारा मिशन था इसरो का, तो उसमें क्या हुआ है कि उसने जो चार्ज पार्टिकल्स है उनको डिटेक्ट करने की कोशिश की है। तो जो जियोटेल है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, और ये इसमें क्या होता है कि जो सन एंड अर्थ है उनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन बेस्ट होती है सन एंड अर्थ की, इस वजह से यहाँ पे रिसर्च वर्क अच्छा हो जाता है। इस वजह से जो जियोटेल एरिया है वो न्यूज़ में है, तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि जियोटेल होता क्या है। नेक्स्ट इज सैटर्न इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो अभी तक कहते थे लोग कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, तो भाई सैटर्न पे चले जाओ, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स वहाँ पे मिले हैं। तो जो सैटर्न बना है उसने में 82 moons हैं, जिसमें कि पहले जुपिटर जो था उसको 79 नंबर कहा गया था, प्रीवियस रिकॉर्ड दिया गया था जिसको सैटर्न ने ख़त्म कर दिया है। और ये किसने अनाउंस किया है, इट इज़ अनाउंस बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन माइनर प्लैनेट सेंटर। और देखिए जो अभी सैटर्न के 20 new found moons हुए हैं उसमें से 17 जो है वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है कि जो सैटर्न जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ये 17 मून उस डायरेक्शन के ओपोजिट ऑर्बिट कर रहे हैं सैटर्न को, मतलब कि सैटर्न के ओपोजिट चल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जुपिटर को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इज अटल टिंकरिंग लैब्स। देखिए अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो किस लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि 2019 लास्ट ईयर ही जो है UPSC ने डायरेक्टली ये पूछा था कि जो अटल इनोवेशन मिशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो इसका आंसर था नीति आयोग। कई लोग जो स्टूडेंट्स थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को टिक करके आए थे, जो कि गलत आंसर था। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में भी।
तो जो अटल टिंकरिंग लैब जो है उसने एक मैराथन ऑर्गेनाइज करी है अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग जो है इम्प्लीमेंट करती है। और इसमें क्या है, एक एफर्ट किया जाएगा कि जो इंडियाज़ के बेस्ट स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ताकि उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करके बेटर जो है रिसर्च फील्ड में लाया जा सके। तो यहाँ पे 6 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ रखे गए हैं, नेमली क्लीन एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो कि 18 ईयर्स के एज के अंडर है। एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं लिया गया जो कि स्कूल में है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं और कुछ अच्छा इनोवेट कर सकते हैं, उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वट आर ATLs विद अ विजन टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज अ न्यूट्रिक इनोवेटर्स, ऑल इनोवेशन मिशन इज एस्टेब्लिशिंग। तो 1 मिलियन चिल्ड्रंस को एक इनोवेटर्स की तरह कल्टिवेट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज़ फास्ट टैग। देखिए अभी तक क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जब टोल प्लाजाज आते हैं तो आपकी कार को रोका जाता है, आपसे टोल कलेक्ट किया जाता है और फिर आपको एंट्री दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है कि गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लंबी लंबी लाइंस लग जाती है टोल प्लाजा में। और अब भी तो ये देखा जा रहा है कि जो टोल प्लाजाज है वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कि जो क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि गोली मार देते हैं या फिर कुछ क्रिमिनलाइज हरकत कर देते हैं वहाँ पर टोल प्लाजाज में। तो इन सारे लूप होल्स को हटाने के लिए फास्टैग को लाया गया है। देखिए फास्टैग क्या है, दिस डिवाइस इम्प्लॉयज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तो आपको टेक्नोलॉजी का याद रखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा कि जो फास्ट टैग है उसको जो विंड स्क्रीन मतलब जो आगे का ग्लास होता है कार का, तो वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। और जैसे ही जो प्लाजा से कार मूव करेगी तो उसको वहाँ पे रुकना नहीं होगा, डायरेक्टली उसको स्कैन कर लिया जाएगा और जो अकाउंट होगा पर्सन का उससे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड है और इसको रिचार्ज किया जा सकता है जब चाहे। और ये जो पेमेंट मेथड है ये किसका पार्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम का। और ये पेमेंट लेखता कौन है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस पेमेंट को कलेक्ट करेगी। तो फास्टैग जो है उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, इस वजह से इसको न्यूज़ में लाया गया है। नेक्स्ट इज़ नासा वोएजर 2 स्पेस क्राफ्ट। वोएजर 2 जो है ये एक ऐसा प्रोब है जो कि नेपट्यून और यूरेनस जो है उसको रिसर्च करेगा, उस पर जाके स्टडी करेगा। ये सेकेंड मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे प्लैनेट को लीव करके मतलब जाके नेपट्यून और यूरेनस पे रिसर्च कर रहा है। और वोएजर 2 जो है वो एक ऐसा अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो कि गैस जाइंट प्लैनेट्स है मतलब कि जिसके ऊपर गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है प्लैनेट्स पे, दैट इज़ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके ऊपर जाके रिसर्च कर रहा है। तो नासा का वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट आपको याद रखना है कि ये गैस जाइंट प्लैनेट्स पे जाके काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड निकल के आया है हेलियोस्फेयर। हेलियोस्फेयर क्या होता है, इट इज़ अ बबल अराउंड द सन क्रिएटेड बाय द आउटवर्ड फ्लो ऑफ सोलर विंड फ्रॉम द सन एंड द अपोजिंग इनवर्ड फ्लो ऑफ इंटरस्टेलर विंड। तो देखिए क्या होता है कि एक बबल जैसी सिचुएशन बन जाती है सन के जस्ट बाहर, उसमें क्या होता है और ये बनती किससे कि जो सोलर विंड सन से निकल रही है जब उनका आउटवर्ड फ्लो हो रहा है तो वो एक बबल्स बना देता है सराउंडिंग में, जिससे क्या होता है कि जो ओपोजिट इनवर्ड फ्लो ऑफ इंटरस्टेलर विंड है वो सन के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो एरिया होता है बबल लाइक उसको हम हेलियोस्फेयर कहते हैं। जो वोएगर मिशन था वो हमने देखा कि ये सेकेंड है, तो जो सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, ये 1970 में हुआ था, जिसमें कि जो आउटर प्लैनेट्स थे वहाँ पे इनको भेजा गया था। नेक्स्ट इज इसरो PSLV C-47 लॉन्च। देखिए इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैज़ लॉन्च कैटोसैट 3 और 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा। तो देखिए जो इंडिया का इसरो है उसने PSLV C-47 से कैटोसैट 3 और 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स भेजी है, कहाँ पे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में श्रीहरिकोटा से।
तो आपको देखिए, एक तो ना जो PSLV है और जो GSLV है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है न्यूज़ में। तो जो मैंने 1 से 15 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैंने उसमें डिफरेंसेस डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। हर बार जो है डिफरेंसेस दिए गए हैं इनके। की फैक्ट्स देखते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट कमर्शियल ऑर्डर टू पुट इन टू द ऑर्बिट 13 अमेरिकन नैनो सैटेलाइट्स फॉर न्यू स्पेस इंडिया विच वॉज फॉर्म इन मार्च 2019। तो ये जो है एक ऐसा कमर्शियल ऑर्डर है कि जिसमें कि 13 अमेरिकन नैनो सैटेलाइट्स को न्यू स्पेस इंडिया के अंदर रखा गया है ऑर्बिट में, और ये जो है 74th लॉन्च व्हीकल मिशन है श्रीहरिकोटा से। देखिए, कार्टोसैट 3 जो नैनो सैटेलाइट यहाँ से भेजी गई है, उसका काम क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है मेनली, 3rd जनरेशन, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी रिटेन करती है। और इसको किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। और जो कैटोसैट 3 है, उससे पहले जो है 7 कैटोसैट इसरो लॉन्च कर चुका है, ये 8th है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेदर मैपिंग और कैटोग्राफी जो है उसके अंदर कैटोसैट 3 का यूज़ होगा। इसमें क्या है कि जो यूज़ किस तरीके से हो सकता है कि जो लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग होती है, रूरल रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोस्टल लैंड यूज है, या फिर लैंड कवर है, उन सब के जो टॉपिक्स हैं, जो मतलब इश्यूज निकल के आ रहे हैं या डिमांड निकल के आ रही है, ये उन सबको एड्रेस कर सकेगी। नेक्स्ट इज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। देखिए, जो केरला की गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है ₹1,548 करोड़ का प्रोजेक्ट, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जिसका, जिसमें क्या होगा कि 2 मिलियन फैमिलीज जो है केरला की, उनको हाई स्पीड इंटरनेट फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो कि 2 मिलियन फैमिलीज है, उसमें से जो 20 लाख है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स है, जिनको कि फ्री इंटरनेट मिलेगा। और ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है स्टेट पावर यूटिलिटी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और केरला स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। नेक्स्ट इज अबाउट भीम UPI गोज इंटरनेशनल। तो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो उनका भीम ऐप है उसको अभी सिंगापुर में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो भीम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम इज अ UPI बेस्ड पेमेंट इंटरफेस। तो ये UPI बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है जिसको कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, और ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर अलाउ करता है, जो कि दिसंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। तो UPI क्या होता है? देखिए, UPI एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि जो मल्टीपल बैंक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो एक जगह कलेक्ट होते हैं इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है कि जो सेवरल बैंकिंग है उनके फीचर्स को मर्ज किया जाता है, ताकि जो फंड्स है या जो पेमेंट्स है वो एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सके। ईच बैंक जो होता है उसको अपना एक खुद का UPI ऐप बनाना होता है एंड्रॉयड, विंडोज और iOS मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स को और सेटलमेंट सिस्टम जो इंडिया में होता है उसको ऑपरेट करती है। और ये किसका इनिशिएटिव है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एसोसिएशन है, जो कि किसके साथ मिलकर काम करते हैं? इंडियाज बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर। और किसके अंडर ये काम करते हैं? ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर बनाया गया है, जिसमें कि पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इंडिया का। और ये जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो मतलब कि ये जो है पब्लिक सर्विस के लिए काम करती है। वॉट इज स्पेस इंटरनेट? स्पेस एक्स द वर्ल्ड लीडिंग प्राइवेट कंपनी इन स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च 60 सैटेलाइट इन टू लो ऑर्बिट अंडर द स्टारलिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो देखिए, स्पेस एक्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कि जो अर्थ का लो ऑर्बिट है उसके अंदर 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपने एक प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है स्टारलिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट। देखिए, स्टारलिंग नेटवर्क जो है वो एक सेवरल ऑनगोइंग एफर्ट है, जिससे क्या होगा कि जो डाटा सिग्नल्स बीम होते हैं स्पेस से उनको कलेक्ट किया जा सकेगा। तो अंडर द प्रोजेक्ट द कंपनी इंटेंड्स टू इवॉल्व अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ नियरली 12,000 सैटेलाइट्स एंड द एम इज टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज टू द वर्ल्ड। तो अभी 60 सैटेलाइट्स को भेजी गई है, जबकि ये जो कंपनी है इसका एम है कि 12,000 सैटेलाइट्स को भेजा जाए, उसका एक कॉन्स्टिलेशन बनाया जाए,
मतलब ग्रुप बनाया जा सके जिससे कि जो वर्ल्ड है उसको क्या हो सके, स्पेस बेस्ड रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक प्रपोजल को अडोप्ट किया है, दैट इज पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम फॉर द इंडियन पेटेंट ऑफिस अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इंडिया विद पेटेंट ऑफिसेस ऑफ वेरियस अदर इंटरेस्ट कंट्रीज ऑफ रीजन। देखिए पेटेंट क्या होता है, आप पेटेंट को समझेंगे कि अगर मैं कोई चीज़ जो है वो डिस्कवर करती हूँ तो मैं उसका पेटेंट अपने पास रखूंगी, कि मतलब कोई और जो पर्सन है या जो कोई और कंपनी है वो उसके ऊपर अपना हक ना जमा सके। अगर वो अपना नाम उस प्रोडक्ट को देना चाहता है तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ कि ये गलत कर रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो जो अभी एलिजिबल ये जो पायलट प्रोग्राम बनाया गया है इसके अंदर किन किन एप्लीकेशंस को रखा गया है जिनको कि पेटेंट रिसीव होगी इंडियन पेटेंट ऑफिस से, इसमें कि टेक्निकल फील्ड्स की चीज़ों को मेनली रखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स एंड मेटलर्जी के जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में उनको यहाँ पे पेटेंट किया जाएगा। व्हाट इज़ पीपीएच? पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे इज अ सेट ऑफ इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेटिंग पेटेंट प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन सम पेटेंट ऑफिसेज। जो डिफरेंट डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेज होते हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर है वो कैसे एक्सेलरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब। वॉट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब? द आइडिया इज टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू टुगेदर कमिट टू बिल्डिंग अ बेटर वेब। तो जितने भी ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं जो कि वेब फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हैं, उनको एक साथ ला के एक बेटर वेब की फॉर्मेशन करना इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब। और इसमें क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जाएगी, गोल है जिसमें कि जो वेब है वो सबको बेनिफिट एक साथ करे। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 9 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसमें कि 3 गवर्नमेंट के लिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए और जो सिविल सोसाइटी है उन सब के लिए बनाए गए हैं। तो प्रिंसिपल्स जो है उनमें क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लिया गया है, गवर्नमेंट विल एंश्योर एवरीवन कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर कोई जो इंसान है वो कनेक्ट हो सके इंटरनेट से, ये गवर्नमेंट को एंश्योर करना होगा। सेकेंड इज़ कि जो कंपनीज हैं उनको इंटरनेट जो है वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा हर पर्सन को, ताकि वो उसे अफोर्ड कर सके। और जो सिटीजन्स है, बी क्रिएटर्स एंड कोलैबोरेटर्स ऑन द वेब, तो वो जो है एक क्रिएटर और कोलैबोरेटर की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट पृथ्वी सेकेंड मिसाइल। देखिए पृथ्वी सेकेंड मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 350 किलोमीटर है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल है DRDO से, जो कि प्रेस्टिजियस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है। ये जो है 500 to 1000 kg तक वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकती है, और वो वॉरहेड जो है मतलब कि जो हथियार है वो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। द स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल इज पावर्ड बाय लिक्विड प्रोपल्सन ट्विन इंजन। तो ये किससे पावर मिलती है पृथ्वी मिसाइल को, लिक्विड प्रोपल्सन ट्विन इंजन से। और ये जो है एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है उसको यूज़ करती है, और ये डिफेंस फोर्सेस में 2003 में इंडक्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट इज़ अबाउट बैक्टीरियोफेजिस। देखिए बैक्टीरियोफेजिस वो वायरस होते हैं जो कि किसी बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, मारते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली एक प्रोटीन कैप्सूल होता है इनके ऊपर जिसमें कि RNA या फिर DNA जीनोम होता है। देखिए कैप्सूल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी बैक्टीरिया की, किसी भी चीज़ की, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, और इसमें RNA या DNA का जीनोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो होता है यूबिकिटस वायरसेस है, इसका मतलब कि ये पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं मिलते हैं। और ये जो मेनली है इसको एक थेरेपी की तरह यूज़ किया जा सकता है अंडर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ मैनी बैक्टीरिया, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स की लेने की वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है, तो हम यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज़ अबाउट स्नोएक्स। देखिए स्नोएक्स जो है वो नासा का एक 5-year प्रोग्राम है
जिसमें कि जो रिमोट स्नो रिमोट सेंसिंग एरियाज हैं उनमें जो गैप्स बन रहे हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। द मिशन विल यूटिलाइज अ सूट ऑफ एयरबोर्न इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लिडार, SAR, पैसिव माइक्रोवेव, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड अदर्स, एज वेल एज ग्राउंड मेजरमेंट्स टू स्टडी स्नो वाटर इक्विवेलेंट इन फॉरेस्टेड एरिया। देखिए क्या होता है कि जो स्नो गिरती है तो वो स्नो है वो ग्लेशियर्स में जाके इकट्ठी होती है, और जो ग्लेशियर्स है वो क्या करते हैं कि वो अगर फ्रीज फॉर्म में रहते हैं तो वो क्या होते हैं, एक सोर्स है वाटर का। ठीक है, इतना समझ आया। तो अगर जो स्नो है उसका फॉल कम हो रहा है और ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए या अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इस वजह से जो स्नो एक्स प्रोग्राम है वो नासा ने लॉन्च किया है ताकि जो जितने भी लूप होल्स हो रहे हैं फ्यूचर स्नो सैटेलाइट मिशंस के लिए उन सबको फिल किया जा सके। नेक्स्ट इज़ अबाउट नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। देखिए लेटेस्ट एडिशन जो है वो लॉन्च हुआ था तिरुवनंतपुरम में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, और जिसकी थीम थी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। जो नेशनल चाइल्ड साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम था वो 1993 में स्टार्ट हुआ था, और ये प्रोग्राम किसके थ्रू होता है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर। इसमें जो है 10 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप के चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि फॉर्मल स्कूल सिस्टम से भी हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट हेरा मिशन। देखिए हेरा इज़ द यूरोपियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन इंटरनेशनल डबल स्पेस क्राफ्ट कोलोबरेशन। हेरा इज नेम आफ्टर द ग्रीक गोडेस ऑफ मैरिज। तो हेरा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक गोडेस जो है मैरिज की, उनके ऊपर नाम दिया गया है, और ये यूरोपियन कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो इंटरनेशनल डबल स्पेस क्राफ्ट कोलेबोरेशन होता है उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज जो है वो काम करेंगी। What is DART mission in this double asteroid redirection test will target DD moon as part of the planet defense program. DART will deliberately crash itself into the moonlet at a speed of approximately 6 km per second using an onboard camera and autonomous navigation software. देखिए इसमें क्या होगा कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, कि जो डीडी मून है एक एस्ट्रॉयड है उसके साथ जाके प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम के अंडर जो डार्ट है वो मूनलाइट के साथ क्रैश करेगा, और क्या स्पीड होगी उसकी, 6 किलोमीटर पर सेकेंड की। और इसमें क्या होता है कि ये देखा जाएगा कि जो वो क्रैशिंग हो रही है ऑनबोर्ड कैमरा की, वो मूनलाइट की जो स्पीड है कोलिजन जो है उसको क्या बढ़ाती है या घटाती है अराउंड द मेन बॉडी ऑफ ऑर्बिट। तो ये चेक करने के लिए कि स्पीड पे क्या असर पड़ता है किसी एस्ट्रॉयड की कोलिजन के बाद, वो यहाँ पे डिटरमाइन की जाएगी। डीडी मून जो है वो उसको क्यों चूज किया गया है, क्योंकि जो अर्थ का साइज है उसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, तो ये इजीली है यहाँ पे स्टडी करना। नेक्स्ट इज रिसेट 2BRI। रिसेट जो 2BRI है ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट प्रोवाइड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या देखा जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड जो की जाती है रिसेट 2BRI से किया जाएगा, और ये जो इसके मिशन लाइफ है वो है 5 ईयर्स। बैकग्राउंड जो है इसका, द रिसेट विच वॉज फर्स्ट डेवलप इन ऑर्बिट ऑन April 20, 2009 एज द रिसेट 2 यूजेस सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो जो रिसेट है उसको एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है इस वजह से बीच बीच में ऐसे गैप आ रहा है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो रिसेट जो है वो एक फर्स्ट डिप्लॉयड ऑर्बिट है जो कि अप्रैल 20, 2009 को डिप्लॉयड किया गया था, जबकि जो रिसेट 2 है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार्स को यूज़ करता है, जो कि इंडियन फोर्सेस जो है आर्म फोर्सेस उनको वेदर सर्विलेंस एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो नेशन के बॉर्डर्स पे अगर कोई गलत एक्टिविटी होनी होती है तो उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। देखिए जो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है वो किसने डेवलप किया है, बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ये जो है ये उन एम्प्लॉइज़ के लिए बनाया गया है जो कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं, और यहाँ पे किस लिए बनाया गया है कि इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो सके, मतलब कि दो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर एक ही
ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कम्युनिकेशन हो सके, इस वजह से इस मैसेजिंग सिस्टम को बनाया गया। और ये व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह ही एक इंटरनल सिक्योर यूज़ के लिए बनाई गई है। ये जो है व्हाट्सएप की तरह ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है फ्रॉम वन टू वन मैसेजेस की, जिसको लीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डेट इज़ नेफ्ट। RBI जो है उसने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को राउंड द क्लॉक बना दिया, मतलब कि अब इसे 24 आवर्स इन और 7 डेज ऑफ द वीक जो है यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो है RBI ने ऐसे अलाइड क्लब ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है जिसके पास ऐसी कोई फ़ंड ट्रांसफ़र की स्कीम है। तो जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ वो है ऑस्ट्रेलिया, हॉन्गकॉन्ग, मैक्सिको, स्वीडन, टर्की, द UK, साउथ कोरिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, चाइना, जिनके पास ये सारे पेमेंट सिस्टम है। तो नेफ्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसको RBI ने बनाया है। ये 2005 में स्टार्ट हुई थी, बट इसको 24/7 वर्किंग जो है वो अभी किया गया है। सेटअप वॉज एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और जो नेफ्ट है वो बैंक जो कस्टमर्स है उनको अनेबल करता है कि वो दो नेफ्ट अनेबल बैंक के बीच में आराम से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये कैसे होता है? वाया अ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। नेक्स्ट इज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, डेट इज़ NBM। द मिशन विल फैसिलिट यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरिया। तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में इस मिशन के अंदर, और यूनिवर्सल मतलब कि कहीं भी जो है ब्रॉडबैंड मतलब फ़ोन किया जा सकता है इसमें। द मिशन ऑल्सो इन्वेस्टेड इंक्रीजिंग फाइबराइजेशन ऑफ टावर्स टू 70% टू 30% एट प्रेजेंट। तो जो अभी ब्रॉडबैंड टावर्स हैं वो 30% फाइबराइजेशन हुई है, जिसको कि 70% में इंक्रीज़ किया जाएगा। मिशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, ये देखने के लिए कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप है, कितना अवेलेबल है। इस वजह से ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स जो है वो बनाया जाएगा। इसमें जो है क्रिएट किया जाएगा एक डिजिटल फाइबर मैप भी कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि कोई भी एरिया जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विस से मतलब कि उनको ऐसा ना हो कि मिले ना। नेक्स्ट इज बायोसिमिलर मेडिसिन। देखिए जो WHO है उसने फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन जो है उसको अप्रूव किया है, जिसका नाम है ट्रास्टुजुमैब। ट्रास्टुजुमैब जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस बनाई गई है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। देखिए जो फीमेल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन जो है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए ही बनाई गई है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि WHO की असेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2015 में इंक्लूड की गई है, और ये असेंशियल ट्रीटमेंट करती है 20% ब्रेस्ट कैंसर केसेस का। ये बायोसिमिलर क्या होता है? बायोसिमिलर क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट दैट इज ऑलमोस्ट एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ डिफरेंट कंपनी। मतलब एक कंपनी जो है वो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके जस्ट सिमिलर जो है एक प्रोडक्ट बनाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम बायोसिमिलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज़ रशिया एवेंगार्ड मिसाइल। जो रशिया की मिलिट्री है उसने फर्स्ट एवेंगार्ड हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, जिसकी जो स्पीड है वो स्पीड की साउंड से 27 टाइम्स ज़्यादा है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर कैरी होगी, विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू मैन्यूवर। इट इज़ मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स ट्रैजेक्टरी एंड गिव इट द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एयर एंड बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है वो इसको ये कैपेबिलिटी देती है कि अगर कोई एयर और जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से रिलीज होके आई है, वो इस अपने आप को उससे सेव कर सके। और इसकी जो रेंज है वो है 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट इज स्ट्रैंडहोंग। ये जो स्ट्रैंग हो गया ये एक तरीके का मालवेयर है, मतलब साइबर अटैक है, जिसमें क्या होता है विच अलाउ द रियल टाइम मालवेयर एप्लीकेशन टू पोज अ जेन्युइन एप्लीकेशन एंड एक्सेस यूजर डाटा ऑफ ऑल काइंड्स। तो अगर स्ट्रैंडहोंग मालवेयर किसी सिस्टम में आ जाता है तो जो यूज़र है उसका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा वो एक्वायर कर लेगा, और फिर उसके बाद वो उस यूज़र को ब्लैकमेल कर सकता है इन द एक्सचेंज ऑफ सम
मोर डाटा इन एक्सचेंज ऑफ सब फाइनेंशियल हेल्प. तो ये जो है किस किस क्या क्या चीज़ें देख सकता है, ये जो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उस कन्वर्जेशन को सुन सकता है, मेरी जो फोटो एल्बम है उसको एक्सेस कर सकता है, मेरे जो मैसेजेस है उसको रीड कर सकता है, और अगर मुझे किसी को मैसेज नहीं भी भेजना तो मेरी तरफ से कुछ भी गलत मैसेज भेज सकता है, कॉल्स कर सकता है किसी को भी, कन्वर्जेशन जो मेरी किसी से हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर लॉगिन जो मेरे अकाउंट्स में मैंने कुछ भी लॉगिन किया है, लाइक मेरा बैंक अकाउंट है या किसी भी तरीके का अकाउंट है, तो उसकी सारी डिटेल्स को अपने पास रख सकता है. मेरी जो प्राइवेट इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन सबको अपने पास रख के मुझे बाद में परेशान कर सकता है. नेक्स्ट इज़ अबाउट पिनाका गाइडेड वेपन्स. देखिए पिनाका गाइडेड वेपन्स जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज वेपन्स है, जिनको कि चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से लॉन्च किया गया है. ये जो है DRDO ने डेवलप किया है, और ये जो है जो लॉर्ड शिवा भगवान शिव होते हैं उनका जो बो है उनके नाम से लिया गया है, उनके बो का नाम है पिनाका, तो यहाँ पे भी वेपन का नाम पिनाका दिया गया है. नेक्स्ट इज मिटियोर मिशन. मिटियोर मिशन जो है वो फ्रांस का एयर टू एयर मिसाइल है मिटियोर्स, जो कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनको हमें डिलीवर कर दीजिए. ये जो है विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिनकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर है. नेक्स्ट इज़ अबाउट फ्रॉग फोन. देखिए क्या है कि जो हमारी मेनली स्पीशीज़ है फ्रॉग की, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम ये इस पर नज़र रखें कि कितना एक्सटिंक्शन हो रहा है, कितनी स्पीशी बची है. तो उसके लिए एक ऐप डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्रॉग फोन. ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर रिमोट सर्वे डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कि जो पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे फ्रॉग मिल सकते हैं वहाँ पे इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है. इसको 3G या 4G सेलुलर नेटवर्क मिलता है, जिससे कि वो ये देख सकता है कि जो फ्रॉग की पॉपुलेशन है वो इस पॉन्ड में कितनी है. और ये किसने डेवलप किया है, ये ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस की टीम ने डेवलप किया है, और इस डिवाइस को रिमोटली रखा जाएगा ताकि जो डाटा है उसको बाद में एनालाइज किया जा सके. लास्ट इज़ अबाउट पृथ्वी सेकेंड मिसाइल. पृथ्वी सेकेंड मिसाइल को हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये आगे न्यूज़ में आ गया है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा करंट अफेयर ख़त्म कर दिया है. आज जो मेरी अपकमिंग वीडियोस शाम को आएगी, अगर मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ तो उसमें अभी तक के जितने भी इंडेक्सेस और जो सर्वेज हुए हैं उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि वो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.